नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट को, क्योंकि हमने इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ लिया है। इंडक्टिव इफेक्ट के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इंडक्टिव इफेक्ट की प्रॉपर्टीज को जाना कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, वो किस प्रकार से परमानेंट इफेक्ट होता है, किस प्रकार से दूरी के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके जो भी अनुप्रयोग हैं, जिसके अंतर्गत हमने कार्बोकैटायन की, कार्बन आयन की, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का निर्धारण किया। उसके बाद में हमने एसिडिटी यानी कि अम्लीयता के, अम्लीय सामर्थ्यता के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हमने क्षारीय सामर्थ्यता की बात की। इस तमाम पॉइंटों के बाद में ये इंडक्टिव इफेक्ट हमारे लेवल के अकॉर्डिंग समाप्त हो जाता है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंतर्गत रेजोनेंस इफेक्ट को। तो आज का हमारा टॉपिक डालिए अनुनाद, जिसे रेजोनेंस, जिसे मीजोमेरिक या जिसे आर प्रभाव या जिसे एम प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे देखिए रेजोनेंस की बात करेंगे। रेजोनेंस या जिसे अपन क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट, या जिसका अन्य नाम क्या है भाई, आर इफेक्ट, या जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, एम इफेक्ट। हिंदी के विद्यार्थी यहां पे ध्यान दे, जिसे क्या बोलते हैं, अनुनाद। इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चा हमने कर ली है, नंबर सेकंड पॉइंट के ऊपर डालिए आप रेजोनेंस इफेक्ट को। तो जी हाँ, रेजोनेंस क्या होता है, बेसिकली हमारा सवाल यही होना चाहिए, और इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की जो फिनोमिना है वो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हमें काम में आती है। तो देखिए आखिर में होता क्या है, बिल्कुल आपको केवल एक शब्द के माध्यम से ही मैं आपको रेजोनेंस समझा दूंगा कि आखिर में रेजोनेंस होता क्या है। तो देखिए एक शब्द आता है इसमें, डीलोकेलाइजेशन। जी हाँ, इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी का भी समझेंगे, पहले समझते हैं यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन। देखिए डीलोकेलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ होता है शाब्दिक, हिंदी में मैं बात करूं तो विस्थानीकरण, विस्थानीकृत भी बोल सकते हैं या विस्थानीकरण भी बोल सकते हैं, या जिसे अपन यू भी बोल सकते हैं, अस्थानीकरण। क्योंकि जब तक हमें शब्द का अर्थ यानी क्या संज्ञान नहीं होता है, तब तक हमें या किसी भी संपर्क या किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना निरर्थक है। तो अस्थानीकरण सबसे पहले थोड़ी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहां पे सबसे पहले थोड़ी हिंदी विषय की चर्चा कर लेते हैं। देखिए वी का मतलब यहां पे देखिए क्या है, क्योंकि जब भी हम मोस्टली रूप से वी का प्रयोग अपन उपसर्ग के रूप में करते हैं, यानी जो किसी धातु या क्रिया के से क्या या किसी संज्ञा या सर्वनाम के क्या लगता हो, आगे लगता हो। तो यहां पे देखिए वी क्या है, वी का मतलब उपसर्ग से है और वी का मतलब है यहां पे नहीं से, और यहां पे ए का मतलब भी क्या है, नहीं। यानी कि नहीं का मतलब यहां पे ना से है और ना मतलब यहां पे किससे है, स्थानीकरण, मतलब अपने स्थान पर नहीं रहने वाला, अर्थात स्थानीकरण का मतलब अपने स्थान पर रहने वाला और अस्थानीकरण मतलब अपने स्थान पर रहने वाला नहीं। मतलब डीलोकेलाइजेशन मतलब यानी कि एक प्रकार से अपन यू कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, अर्थात यहाँ पे अपने स्थान पर नहीं रुक रहा, यानी कि विस्थानीकृत वो बहुत सारे देशों की, कंट्रीज की यात्रा करता है। तो वो नरेंद्र मोदी यहाँ पे कौन हो सकते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि यानी कि विस्थानीकरण किसका, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां पे तीन बातें अपन लेकर मोस्टली रूप से चलते हैं,
डीलोकेलाइजेशन अपन किन का करने वाले हैं, किसी भी कंपाउंड में उपस्थित क्या हो सकता है, वो पाई इलेक्ट्रॉनों का या फिर हो सकता है लोन पेयर्स का या हो सकता है किसी फ्री रेडिकल का। यानी कि किसी रेडिकल का, तो जी हाँ, डीलोकेलाइजेशन यानी कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर या फिर रेडिकल का, क्या कॉल्ड इट रेजोनेंस, अर्थात पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। लोन पेयर के विस्थानीकरण को क्या कहते हैं भाई, रेजोनेंस कहते हैं, और रेडिकल के विस्थानीकरण या अस्थानीकरण को क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन की बात हो जाती है। तो सिंपल आपके स्तर अनुसार ये परिभाषा सबसे परफेक्ट होती है कि यहाँ पे कि पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। लेकिन हम थोड़ा सा डीपली अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे देखिए पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, वो लोन पेयर भी हो सकते हैं और वो रेडिकल भी हो सकते हैं, जिनका क्या होने वाला है, डीलोकेलाइजेशन होने वाला है, अस्थानीकरण होने वाला है, अर्थात ये अपना स्थान छोड़कर जाने वाले हैं, वो ही क्या कहलाता है, रेजोनेंस कह दो, मीजोमेरिक इफेक्ट कह दो, आर इफेक्ट कह दो एंड एम इफेक्ट कह सकते हैं। तो आशा करता हूं ये इस वर्ड का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अपन आगे चलते हैं कि रेजोनेंस के अंतर्गत अपन किन किन बातों को ध्यान में लेकर चलते हैं और ये कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या क्या बातें सिखा पाता है, उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि ये किन किन बातों का निर्धारण कर रहा है और किन बातों को ये अपने साथ लेकर चलता है। तो देखिए कुछ बातें हैं जो रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ने से पूर्व पता होनी चाहिए, तो सामान्य जानकारी के रूप में आप डाल सकते हैं इस पॉइंट को कि किन किन बातों को लेकर चलता है। सबसे पहली बात क्या हो सकती है, पहली बात तो ये कोई ऐसा कोई इफेक्ट दुनिया का नहीं है जो हमें आंखों से ये दिखाई दे। पहली बात तो ये क्या है, एक इमेजिनरी इफेक्ट है, काल्पनिक इफेक्ट होता है। ऐसा समझ पा रहे होंगे आप कि एक प्रकार से कैसा है, ये काल्पनिक है, ऐसा कोई वास्तविक इफेक्ट हमें आंखों से कोई ना इसे अपन छू के देख सकते हैं ना इसे कोई महसूस कर सकते हैं, ये केवल एक कल्पना मात्र है। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक काल्पनिक अवधारणा है। जी हाँ, काल्पनिक अवधारणा यानी कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ये कोई आंखों से यानी कि कोई मूर्त कोई चीज ये नहीं है, ये क्या है, एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहली बात ये हो जाती है कि ये क्या है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। दूसरी बात देखिए ये क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट अपन किने कहेंगे, जिनके लिए किसी रिएजेंट की आवश्यकता नहीं है। तो अपने दूसरा पॉइंट यानी कि दूसरी बात क्या जानी कि ये क्या है, एक स्थायी प्रभाव है, स्थायी प्रभाव है। स्थायी प्रभाव होने के कारण यानी कि ये क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का है वो कंप्लीट रूप से डीलोकेलाइजेशन करता है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या फिर रेडिकल्स, मैं यहाँ पे डॉट से प्रदर्शित कर देता हूँ शॉर्ट रूप में, रेडिकल्स इसका मतलब फ्री रेडिकल्स है, का क्या होता है, विस्थानीकरण होता है, विस्थानीकरण या विस्थायीकृत होते हैं। कौन होते हैं भाई, या तो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या लोन पेयर होंगे या फिर रेडिकल होगा इस प्रकार से। और इसका क्या यूज हो सकता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए ये क्या करता है, किसी भी कंपाउंड के अंतर्गत या किसी भी आयन के अंतर्गत ये करता है स्थायित्व में बढ़ोतरी, अर्थात तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। तो एक बात ये भी हम जोड़ सकते हैं कि ये क्या करता है, ये स्थायित्व को बढ़ाता है,
देखिए काल्पनिक अवधारणा है, परमानेंट इफेक्ट है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रेडिकल्स का विस्थानीकरण होता है और ये कि क्या है परमानेंट इफेक्ट है। और पॉइंट है यहाँ पे देखिए उनके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। पहली बात ये चार पॉइंट हो गए, इनको आप उतारिए फिर और पॉइंटों की भी मैं बात करता हूं। और कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं तो देखिए इसमें किसी भी एटम का डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, अर्थात मैं यूं कहूं कि परमाणु है जो, यानी कि परमाणु क्या होते हैं, परमाणु स्थायीकृत होते हैं। जी हां स्थायीकृत, यानी कि परमाणु या किसी भी एटम्स का यहाँ पे क्या नहीं होगा, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, अर्थात कोई जैसे ऑक्सीजन का एटम है ये उठकर किसी अन्य जगह पर नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पे कौन जाने वाला है, या तो लोन पेयर जाएगा या पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर कोई रेडिकल जाएगा, कि यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी एटम का डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे एटम्स हैं जो कि कंडीशन में रहते हैं स्टेबलाइज्ड यानी कि स्थायीकृत अवस्था में रहते हैं। तो एक पॉइंट ये इसको जानने में बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद में यदि मैं और भी बात करूं तो देखिए आप इंडक्टिव इफेक्ट को देख पा रहे होंगे, वो क्या करता था वहां पे, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता था, यानी दूरी पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता था, कार्य करता था। तो यहाँ पे ये देखिए ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि दूरी पर निर्भर नहीं है, यानी कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। और एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं कि एक अंत अणु, यानी कि एक अंत अणु प्रकार का क्या है, ये अंत अणु प्रभाव है, यानी कि ये केवल एक ही एटम के अकॉर्डिंग यहां पे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि यानी कि ऐसे है कि इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इसी के अंतर्गत यहाँ पे घूमने वाले हैं, कि यानी कि केवल एक ही रिंग में क्या होंगे ये घूम पाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसके पड़ोस में यदि कोई रिंग है तो इससे उठकर इसमें चले गए, नहीं, यानी कि केवल एक ही रिंग के अंतर्गत डीलोकलाइजेशन होगा, यानी कि एक अंत अणु प्रकार का क्या है ये प्रभाव है। तो ये बेहद आवश्यक पॉइंट थे जो हमें रेजोनेंस को पढ़ने से पूर्व पता होने चाहिए। तो ये तमाम पॉइंट है, तो देखिए एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एंड रेडिकल्स के विस्थानीकरण या अस्थानीकरण के प्रभाव को क्या कहते हैं, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। एक प्रकार से ये क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है। दूसरी बात, एक प्रकार से काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसके अंतर्गत पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है, ये स्थायित्व को बढ़ाता है, ये अंत अणु प्रकार का प्रभाव है, और यदि मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत एटम्स स्थायीकृत रहते हैं ना कि विस्थानीकृत होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आगे आने वाली कक्षा में इसको और विस्तृत जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।